नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस जैसे संकट का पहाड़ हमारी भारत से चला जाए और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आपको बताएंगे कि अमेरिका ने चीन पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप, दायर किया है मुकदमा। जी हां दोस्तों, बताएंगे ये बड़ी खबर विस्तार से आपको, उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर इस मामले में सबसे आगे निकले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पछाड़ा। बताएंगे दोस्तों किस मामले में प्रधानमंत्री मोदी सभी देशों से सबसे ऊपर निकले, उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान पर भी कोरोना का साया। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर पालघर मॉब लिंचिंग के 101 आरोपियों की महाराष्ट्र सरकार ने जारी कर दी है लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे लिस्ट में कौन कौन है, उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर लॉकडाउन में बीजेपी विधायक को यात्रा पास देने वाले अफसर पर सीएम नीतीश कुमार ने लिया ये कड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको ये भी खबर विस्तार से, उससे आगे बताएंगे जहां पर मोदी और ममता सरकार में कोरोना पर ठनी है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम को रोकने पर गृह मंत्रालय की सख्ती। बताएंगे गृह मंत्रालय की तरफ से क्या क्या कहा गया है ममता सरकार को। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, उससे अगली खबर में बताएंगे दोस्तों जिन लोगों के पास जियो का सिम है दोस्तों उनके लिए बड़ी खबर है। बताएंगे उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर लॉकडाउन में आप लोग किन किन दुकानों को खोल सकते हैं दोस्तों, सारी जुड़ी खबरें बताएंगे आपको और सारी स्कीम सारी योजनाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, सारी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों व्हाट्सएप या फेसबुक पर। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप, दायर किया है मुकदमा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना पर देरी से कार्रवाई करने को लेकर अमेरिका ने चीन पर मुकदमा दायर किया है। अमेरिका ने चीन की राजधानी बीजिंग का कोरोना वायरस के खतरनाक होने का दावा देर से करने और मुखबिर को गिरफ्तार कराने और सूचनाओं को दमन करने का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि कोरोना वायरस पर चीन के इस रवैये से लगभग सभी देशों को वैश्विक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, वायरस ने दुनिया में 170,000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले ली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ये मुकदमा मिसौरी शहर के जिला अदालत में दायर किया है। मिसौरी के अटॉर्नी जनरल एरिक स्कमिट ने चीन की सरकार, सत्ता में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे चीन के अधिकारियों और संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस मामले में चीन पर आरोप है कि कोरोना महामारी की शुरुआत में ही चीन ने अपनी जनता को धोखे में रखा, महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया, मुखबिर को गिरफ्तार किया, सबूत होने के बाद भी इंसानी संक्रमण की बात छुपाई, मेडिकल शोध को नष्ट किया, लाखों लोगों को वायरस शिकार होने दिया और जरूरी पीपीई किट को जमा करके रखा। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ा आरोप और बड़ा मुकदमा दायर किया गया है चीन पर। तो दोस्तों इस मुकदमे में क्या आप भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और किस तरह के मुकदमा चीन पर दायर होना चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अब इस मामले में सबसे आगे निकले प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पछाड़ दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के वक्त लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने एक रेटिंग जारी की है। ये रेटिंग कोरोना वायरस के संकट के बीच दुनिया भर के नेताओं के काम करने की क्षमता और उन पर लोगों के भरोसे को ध्यान में रखकर जारी की गई है। इस रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को दुनिया के बाकी सभी नेताओं से ऊपर रखा गया है। जी हां दोस्तों, इस रेटिंग में नरेंद्र मोदी 68 अप्रूवल पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 अप्रूवल रेटिंग पॉइंट मिले हैं। जी हां दोस्तों, ये बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को पॉजिटिव नंबर भी नहीं मिले हैं दोस्तों, माइनस में 3 अप्रूवल रेटिंग मिले हैं, जबकि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉजिटिव पॉइंट 68 मिले हैं। 10 नेताओं की इस लिस्ट में ट्रंप 8वें नंबर पर है। इस रेटिंग के लिए 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक लोगों से दुनिया भर के दूसरे नेताओं से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर है, जबकि 0 से भी कम पॉइंट है उनके पास, नेगेटिव
नेगेटिव में, तो आप सोचिए कि बाकी नेताओं तो और भी नेगेटिव में होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पॉजिटिव में, वो भी 68 पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों और सबसे टॉप पर चल रहे हैं, तो ये बड़ी बात है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अगर दोस्तों इस पॉइंट के लिए आप उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं और साथ ही आप उनको हमेशा अव्वल नंबर पर बने रहने की कामना करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी को, हम आपकी बात को उन तक पहुंचाएंगे। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान पर भी कोरोना का साया है दोस्तों, वायरस संक्रमित व्यक्ति से हुई थी मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 9000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और इमरान खान सरकार के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। अब खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो सकते हैं। इमरान खान हाल में एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जिसके संक्रमण की पुष्टि हो गई है, इसलिए अब इस बात की आशंका बन गई है कि इमरान खान को भी कोरोना वायरस की चपेट ले सकती है। जी हां दोस्तों, तो एक बड़ी खबर थी इमरान खान के लिए। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप लोग क्या चाहेंगे इमरान खान के बारे में, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते हैं अगली बड़ी खबर के लिए, जहां पर आपको बता दें कि पॉल पालघर मॉब लिंचिंग के 101 आरोपियों की महाराष्ट्र सरकार ने जारी कर दी है लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पालघर मॉब लिंचिंग पर सियासत जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पालघर मामले में पकड़े गए 101 आरोपियों की लिस्ट जारी की है। अनिल देशमुख ने कहा है कि ये इसलिए साझा किया गया है क्योंकि इस मुद्दे को सांप्रदायिक किया जा रहा था। पालघर में दो साधु और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। लिस्ट जारी करने से पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि सीआईडी में एक विशेष आईजी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस ने अपराध के 8 घंटे के भीतर 101 लोगों को गिरफ्तार किया। हम आज व्हाट्सएप के माध्यम से अभिव्यक्तियों के नाम जारी कर रहे हैं। उस सूची में एक भी नाम किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों का नहीं है दोस्तों, तो आप लोगों को ये बता दे दोस्तों, जो लोग बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं उनके लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि पालघर मॉब लिंचिंग मामले से जुड़ी हत्या में एक भी आरोपी के नाम में मुस्लिम नाम कहीं नहीं है दोस्तों, तो इसको सांप्रदायिक रंग ना दे कृपया करके, और आप भी इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि लॉकडाउन में बीजेपी विधायक को यात्रा पास देने वाले अफसर पर सीएम नीतीश ने लिया ये कड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में उस सरकारी अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है जिसने भाजपा विधायक अनिल सिंह को अपनी बेटी को राजस्थान के कोटा से वापस लाने के लिए यात्रा पास जारी किया था। इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था और जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर सहित आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर आरोप जताया था। मंगलवार देर रात बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि हिंसवा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अनिल सिंह को यात्रा पास जारी करने के लिए नियमों का उल्लंघन करने पर नवादा जिले के सब डिविजनल अधिकारी अनु कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, तो ये नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। आप इसको कितने हद तक सही मानते हैं दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आम जनता जिस तरह से आम जनता के बच्चे हैं उसी तरह से किसी भी सरकारी पद पर बैठे नेताओं और मंत्रियों के बच्चे भी बराबर हैं दोस्तों, अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी और ममता सरकार में कोरोना पर भी ठनी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम को रोकने पर गृह मंत्रालय सख्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कई मुद्दों पर राजनीतिक उठापटक के बाद केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में अब कोरोना वायरस पर भी ठन गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना वायरस को लेकर स्थिति का पूरा आकलन करने गई टीम का सहयोग नहीं कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीम को रोका जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसले को केंद्रीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए पूछा कि टीमों को यूपी और गुजरात क्यों नहीं भेजा गया। केंद्र सरकार ने सोमवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि कोविड-19 को लेकर मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर हालात विशेष रूप से गंभीर है और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन से कोरोना वायरस का संक्रमण और फैलने का खतरा है, जिसको लेकर राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है। दिया दोस्तों, जिसको लेकर ममता सरकार उन टीमों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। इसको लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा ममता सरकार के बारे में। आपको क्या लगता है कि वो यहां भी राजनीतिक रोटियां ही सेक रही है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अमित शाह के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने वापस लिया
इंडिया सांकेतिक प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। दरअसल डॉक्टरों पर हो रहे हमले के विरोध में IMA ने आज रात 9 बजे सांकेतिक प्रदर्शन और कल काला दिवस मनाने का फैसला किया था। इस बीच अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिया। अमित शाह ने कहा, हमारे डॉक्टरों की अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा और प्रतिष्ठा से समझौता बर्दाश्त नहीं है। हर समय उनके लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि मोदी सरकार उनकी हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे प्रस्तावित विरोध पर पुनर्विचार करने की अपील है। जी हां दोस्तों, तो क्या आप भी मानते हैं कि डॉक्टरों को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उन्हें फोर्स की सुरक्षा देनी चाहिए? दोस्तों, अगर वो घर घर जा करके कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का जांच करने जा रही है तो उनको उनके साथ में फोर्स भी सुरक्षा में उपस्थित होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग लिखेंगे दोस्तों, तो हम आपकी बात को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें जियो फेसबुक डील से खबर आ रही है कि व्हाट्सएप से जुड़ेंगे करोड़ों दुकानदार, अमेज़न फ्लिपकार्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हां दोस्तों, दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी फेसबुक ने भारत के रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा सौदा किया है। इस डील से भारत में खुदरा दुकानदारी का तरीका बदल सकता है। रिलायंस के जियो मार्ट और फेसबुक के व्हाट्सएप से देश के करोड़ों कोरोना दुकानदारों और ग्राहकों को जोड़ा जा सकता है। इस तरह रिलायंस रिटेल पहले से इस कारोबार में लगे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर देने जा रही है। जी हां दोस्तों, इसके लिए अगर आप फेसबुक और रिलायंस जियो को बधाई देना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी पर अटका है पेंच। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना सरकार के हाथ में है और वही इसे इस दिशा में फैसला करेगी। मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर, स्वामी अग्निवेश और कई अन्य लोगों ने शीर्ष न्यायालय में अपील दायर कर केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के आदेश देने की मांग की थी। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आप लोगों की मांग क्या है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते हैं और बड़ी खबर में, बड़ी खबर के लिए जहां पर आपको बता दें कि बाजार, अलीगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है कि बाजार बंद कराने गए पुलिस कर्मियों पर हुआ है हमला, 3 घायल, भारी फोर्स को कर दिया गया है तैनात। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ के भुजपुरा में बुधवार को लॉकडाउन के दौरान समय अवधि पूरी होने पर बाजार बंद कराने गए पुलिस कर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमलावरों ने पुलिस की लैपर्ड बाइक में भी तोड़फोड़ कर दी। मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से कोरोना मुक्त चल रहे अलीगढ़ जिले में सोमवार को ऐसा ग्रहण लगा कि लगातार कुछ ना कुछ बुरी खबरें सामने आ रही है। सोमवार को जिले में कोरोना पॉजिटिव घोषित हुए उस्मानापाड़ा के 55 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। तो दोस्तों, इन पथराव करने वालों के लिए दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे जो अलीगढ़ में इस तरह की अभद्र पथराव करते हैं दोस्तों हमारे पुलिस कर्मियों पर, डॉक्टरों पर? जरूर बताइएगा अपनी राय। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन में किताबों, बिजली के पंखों, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें खुलेंगी। हां, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को वर्तमान लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सहायकों की सेवा तथा प्रीपेड मोबाइल फोन की रिचार्ज सुविधा के अलावा स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को खुलने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, आटा मिल अपना कामकाज फिर चालू कर सकती है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशा निर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि विद्यार्थियों के लिए स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की इजाजत दी गई है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह लॉकडाउन 3 मई तक है। साथ ही आपको बता दें कि मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के घरों में रह रहे उनके सहायकों के अलावा उनकी देखभाल करने वालों के अतिरिक्त प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करने वालों को लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्ट्री, दूध प्रसंस्करण इकाइयां, आटा दाल मिलों के काम करने दिया जाएगा। आयात एवं निर्यात की सुविधाएं जैसे पैक हाउस, निरीक्षण और बीजों एवं बागवानी उपजों के लिए परिष्करण सुविधा, कृषि एवं बागवानी से जुड़े अनुसंधान संस्थानों को भी छूट दी गई है, वाणिज्य एवं संबंधी गतिविधियों को भी छूट प्रदान की गई है। जी हां दोस्तों, तो आप लोगों में से जितने लोगों के पास मोबाइल की दुकानें हैं, पंखे की दुकान है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य में ये चीज अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, जरूर बताएंगे आपको दोस्तों, तो आप बताना मत भूलेगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, आप लोगों की बहुत कृपा होगी। और साथ ही अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा
जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए